In the figure, the radius of larger circle is 2 cm and the radius of smaller circle is 1 cm and larger circle passes through the center of the smaller circle, then the length of the chord AB is, ठीक है, ये अपने को यहाँ पे given है, ये let's say अपने यहाँ पे figure draw किया है, ठीक है, और ये इसके क्या है, common chord है, ठीक है, इसके intersection point, let's say chord के ends points क्या है, यहाँ पे A and B, ठीक है, common chords के ends point क्या है, यहाँ पे A और B, और इसके अगर अपन centers देखे, ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इसका center जो है वो यहाँ पे, इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर अगर अपन देखें तो वो क्या है, यहाँ पे C है, और यहाँ से अगर अपन देखें तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, अगर अपन इसकी वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। अब इन दोनों के सेंटर को अगर अपन ज्वाइन करें तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये लेट से यहाँ पे इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये इसके लिए, यहाँ पे इस सर्कल के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम गिवन है, ठीक है, ये अपने पास इस तरीके से यहाँ पे इसलिए डायग्राम गिवन, तो अपने को लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करना, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो अपन लेंथ ऑफ ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसके लिए लेट से अपन थोड़ा सा क्या करें, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, इस सेंटर को अपन यहाँ पे इससे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सेंटर को अपन इससे ज्वाइन करें और इस सेंटर से लेट से अपन इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करें, ठीक है, इस वाले सेंटर से अपन इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये अगर अपन देखें तो ये यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे इसके लिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे सेंटर क्या है, ओ, लेट से ये सेंटर क्या है, यहाँ पे ओ, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो लेट से अपन ए और सी को भी ज्वाइन कर ले, ठीक है, ए और सी को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं और इधर बी और सी को भी अपन ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, बी और सी को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और ये इसका लेट से इसका क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट होगा, इसको अपन क्या बोल देते हैं, यहाँ पे एम, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो दो ट्रायंगल अपने पास आ गया, ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगा, यहाँ पे टू यूनिट, इसकी लेंथ क्या होगी, टू यूनिट रेडियस, और इधर अगर अपन देखिए ए सी की लेंथ क्या होगी, यहाँ पे वन यूनिट, और इधर बी सी की लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे वन यूनिट, ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और सिमिलरली ओ सी की भी लेंथ क्या होगी, यहाँ पे ओ सी की भी लेंथ क्या होगी, यहाँ पे टू यूनिट, ठीक है, ओ सी की टोटल लेंथ क्या होगी, यहाँ पे टू यूनिट, क्योंकि ये भी रेडियस है, ठीक है, यहाँ से अपन बेसिकली क्या लिख रहे हैं, ओ ए इजकल्स टू ओ बी इजकल्स टू ओ सी, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे टू सेंटीमीटर, और इधर अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए सी, ए सी इजकल्स टू बी सी इजकल्स टू वन सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से अगर अपन देखें तो अपन क्या लिखें, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं एरिया ट्रेंगल क्या होगा, यहाँ पे सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, ट्रेंगल यहाँ पे सिमेट्रिकल है, तो यहाँ अगर अपन देखें तो क्या लिख सकते हैं, एरिया, ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी बी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी बी, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी बी जो होगा इसको अपन दो फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, और इसी को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है। लेट्स से अपन यहाँ पे इस एरिया को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो फिगर यहाँ पे बिल्कुल सिमेट्रिक है, ओ ए सी और ओ बी सी यहाँ पे सिमेट्रिक एरिया है, इसको अपन लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ एरिया, टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एरिया इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू, इधर अगर अपन देखें तो इसको अपन एरिया लिखेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे वन बाई टू टाइम्स ऑफ बेस क्या होगा यहाँ पे ए बी, ठीक है, बेस होगा यहाँ पे ए बी इंटू हाइट क्या होगा यहाँ पे ओ एम, ठीक है, हाइट होगा ओ एम प्लस में इसका एरिया अपन लिखेंगे यहाँ पे वन बाई टू इंटू बेस क्या होगा ए बी और इंटू में क्या आ जाएगा अपने पास, इंटू में यहाँ पे आ जाएगा सी एम, ठीक है, ये क्या आ जाएगा अपने पास सी एम, ठीक है, तो बेसिकली अगर अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास वन बाय टू इंटू में अपन ए बी कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ओ एम प्लस सी एम, ठीक है, ओ एम प्लस सी एम, तो बेसिकली ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ये वैल्यू लिखा हुआ है वन बाई टू इंटू, वन बाई टू इंटू ए बी इंटू ओ एम प्लस सी एम की वैल्यू अगर अपन देखें तो ओ एम प्लस सी एम की वैल्यू क्या आ जाएगा, ओ सी के इक्वल आ जाएगा, ओ सी के इक्वल, और ओ सी क्या है यहाँ पे रेडियस है, तो ये वैल्यू आ जाएगा वन बाई टू इंटू ए बी इंटू ओ सी की वैल्यू क्या है, रेडियस टू यूनिट, तो ये कैंसिल आउट होकर ये वैल्यू क्या आ गया, ये ए बी के इक्वल आ गया, ठीक है, तो बेसिकली अगर अपन ए बी की लेंथ देखें जो कॉर्ड ए बी की लेंथ है तो कॉर्ड ए बी की लेंथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ एरिया, कॉर्ड ए बी की लेंथ आ जाएगा यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। अब अपन इस ट्रायंगल के एरिया को अपन कैसे निकालेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल है, ओ ए इजकल्स टू ओ सी इजकल्स टू 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 यूनिट, और ये क्या है वन यूनिट, ठीक है, तो इसके लिए एरिया लिखेंगे यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, यहाँ से अगर अपन इसकी साइड लेंथ देखें तो क्या क्या है, साइड लेंथ क्या है टू टू एंड वन,
ठीक है। तो लेट्स अपन यहाँ पे ए की वैल्यू 2 बोलते हैं, बी की वैल्यू भी 2 बोलते हैं, और सी की वैल्यू को क्या बोल देते हैं 1। ये इसकी साइड लेंथ है। तो एस क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 बाय 2, ये इसकी वैल्यू होगी। अब अपन इसकी वैल्यू पुट करें 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ, एस की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 5 बाय 2 इंटू में क्या आ जाएगा 5 बाय 2 माइनस ए, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 बाय 2 इंटू में 1 बाय 2 इंटू में आ जाएगा 3 बाय 2। तो बेसिकली अगर अपन इसकी वैल्यू देखें तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ रूट 15, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 15 डिवाइडेड बाय, ये क्या लिखा हुआ है 16 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 4। तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया रूट ऑफ 15 बाय 2। तो ये यहाँ पे ये भी जो कॉर्ड है ये इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 15 बाय 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।